हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटर पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने 250 ग्राम पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मटर है हमने छील के धो लिया है। मटर भी 250 ग्राम तक, 2 से 250 ग्राम तक मटर है। 2 चम्मच हमने कसूरी मेथी लिया है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। नमक टेस्ट के हिसाब से है। कुछ सूखे मसाले हैं, 2 इलायची, 4 लौंग, 1 तेज पत्ता और जीरा। आधी कटोरी मलाई है, जो हमारी घर की मलाई है, आप बाजार की भी ले सकते हैं। 1 प्याज, 1 टमाटर को हमने पीस के रख लिया है, साथ में ही मिक्स करके पीसा है। कुछ सूखे मसाले हैं, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च दोनों आधा आधा चम्मच है, 1/4 चम्मच काली मिर्च और हल्दी है, गरम मसाला आधा चम्मच है, 1 चम्मच धनिया है। और हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम गैस को तेज फ्लेम पे करेंगे और इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। जब हमारे सूखे मसाले चटकने लग जाएंगे, तब हम इसमें लहसुन डालेंगे। जीरा हमारा हो गया है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम 1 प्याज टमाटर जो हमने पीसा है उसे डाल देंगे। बिल्कुल केयरफुली आप बनाएं। साथ में हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे। नमक हमने टेस्ट के हिसाब से लिया है, नमक डाल देंगे। और हम इसे अब मसाले को तेल छोड़ने तक हम इसको अच्छे से सौटे करेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल अब तैयार पे है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। पहले मटर आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। और साथ में अब हम पनीर डालेंगे और उसको फिर 5 मिनट इसको मसाले में अच्छे से सॉटे करेंगे। हाँ, माशाल्लाह देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। हमने मटर और पनीर डालने के बाद 5 मिनट तक सॉटे किया था कि जो भी पानी रिलीज हो मटर और पनीर का, वो सारा हो अच्छे से पक जाए, सूखा हो जाए, वरना सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं, हाथों से क्रश करके रखा है। अब हम साथ में इसके मलाई हमने जो रखी थी वो रख देते हैं। आप ऐसे झटपट मटर पनीर बनाएं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बनाएं और घर में अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएं। अब इसमें हम आपको जितना पानी रखना है उसके हिसाब से रखें। हम आधा ग्लास पानी डालेंगे। अभी हमें पानी कम लग रहा है तो हम इसे पूरा ग्लास पानी डाल देंगे। अब इसे हम 5 से 10 मिनट गैस पे रखेंगे, क्योंकि आधा मटर तो हमारा भूनते भूनते में ही गल गया है। थोड़ा मटर हमारा गल जाए और अच्छे से सब्जी पक जाए, फिर हम इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी कलर आई है सब्जी की, मटर पनीर की। और ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे। अभी हमें पूरी बनानी है, हम इसको पूरी के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। के साथ हम पूरियां बना रहे हैं। हमने आटे में नमक, तेल और कलौंजी डाल के हमने आटे को गूंद लिया है और उसके बाद हमने ये पूरियां बेल ली है। साथ में ऑयल गरम हो रहा है
और हम साथ में अब पूरियां तलेंगे। मटर पनीर के साथ पूरियों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ये हमारी पूरियां बन रही है। काफी फुली फुली सी हो रही है हमारी पूरियां। इसी तरह हम बाकी पूरियों को भी बना लेंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे।